फिलहाल ट्राई करते हैं ये कोरियन डायमंड जो हमने ऑर्डर किया था। इससे पेट तो क्या क्या भरेगा यार। ये बॉयल हो गए और इसमें नीचे मैंने मसाला डाल दिया और वो सीजनिंग में एक ऑयल टाइप का था वो था और इसको मिक्स करना है बस अच्छे से। स्पाइसी आप लोग सोच रहे हो कहाँ से भैया तेल उठा उठा के ला रहा है, कहीं से नहीं। अभी मैं क्या मार्केट गया था दही लेने के लिए, दही मुझे बेकरी वाला बेकरी सॉरी क्या कह रहा हूँ बेकरी कह रहा हूँ दिमाग खराब हो गया है। दही मुझे डेयरी वाला अच्छा, मतलब डेयरी तो खैर क्या कहेंगे मगर वो अच्छे से जमाता है, डेयरी वाला जो है अच्छे से जमाता है तो मैं उसी का पसंद है। तो फिर मैं वहीं दही लेने गया था, तब तक वो ई कार्ट फ्लिपकार्ट जो ई कार्ट वाले होते हैं उनका मैसेज आ गया, मैसेज का कॉल आ गया कि सर आपका जो ग्रोसरी आइटम है वो आ गया है वहाँ पर, वो फिर जल्दी से आया। तो फिर ये ग्रोसरी आइटम हमने मंगाए थे कुछ राइस है, ये चावल बासमती चावल, भुजिया भुजिया पूरी 1 किलो की मंगा लिया मैंने, बैठे बैठे खाते रहेंगे। एक्चुअली भुजिया ज़्यादा लगती है, भुजिया मुझे चाहिए होती है पोहे के लिए, पोहे मुझे भुजिया के बिना अच्छे नहीं लगते। ये एडिशनल मंगा लिया ऐसे टाइम पास टेढ़े मेढ़े। और ये कोरियन वाले कौन से हैं ये नूडल्स, ये मैंने आज से पहले कभी ट्राई नहीं करे तो इस बार मैंने कहा एक बार ट्राई तो करना चाहिए, तो इस चक्कर में मैंने मंगा लिए हॉट एंड स्पाइसी कोरियन किमची फ्लेवर जो भी है, मैंने आज तक नहीं खाया। आप लोगों ने खाए तो बताना, हमने तो आज तक वो मैगी या वही खाई है बस, मैगी और वो दूसरा कौन सा आता है एक यप्पी यप्पी नूडल्स वही खाए बस, और साथ में थे कुछ ड्राई फ्रूट्स। मैं ज़्यादातर अब सामान के ग्रोसरी जो अपनी मैं फ्लिपकार्ट ग्रोसरी जो ऑप्शन आते हैं ना वहाँ से वो करने लगे ऑर्डर करने लगे, और वहाँ पे कुछ ना कुछ फ़ायदा हो ही जाता है, थोड़ा हल्का फुल्का आपको डिस्काउंट मिल जाता है, मार्केट प्राइजेस से कम है और कैंटीन के प्राइजेस से थोड़ा ज़्यादा है। वैसे यही कि आप कैंटीन में जाओ लाइन में लगो इतना टाइम जाता है, उससे अच्छा है कि घर पर बैठे बैठे ऑर्डर कर दिया अगले दिन डिलीवर हो जाता है। चलो यहाँ पराठे बनाए, आज वही बनाने आलू के पराठे, आलू के पराठे खाने के मेरा बहुत मन था इसलिए मैं दही लेने गया था। पराठे हो गए रेडी और आज के पराठे तो ऐसे लग रहे हैं कुछ ये कहीं का मैप है बस, देखने में यार इतने अच्छे तो नहीं लग रहे। देखो आप लोगों को ये देखो ये है आज के पराठे आलू के। वैसे अब मैं बनाता था आलू के पराठे पर इतने बेकार कभी नहीं बनते थे, मतलब देखने में भी ऐसे लग रहे हैं थोड़े अजीब से। आज एक्चुअली क्या एक तो आलू भी थोड़े गीले रह गए, आटा भी थोड़ा सा ज़्यादा मॉइस्चर वाला हो गया, मॉइस्चर कम क्या कहूँ गीला ज़्यादा था, और फिर उस चक्कर में थोड़े से अब जो ये होता है ना कि एक बार अगर कोई काम बिगड़ने बैठता है तो फिर वो बिगड़ता रहता है, तो फिर वो वाला सीन हो गया। देखने में तो चलो जैसे हैं ठीक है, बस अब खाने में बेकार नहीं होना चाहिए, खाने में थोड़ा सा टेस्ट इनका अच्छा होना चाहिए। आज यार इसमें ना मैंने प्याज डाली, ना इसमें धनिया है, ना इसमें हरी मिर्च है, केवल आलू हैं बॉयल आलू हैं, उसी में मसाले हैं। आई होप सो अच्छा हो। नॉर्मल के हिसाब से ठीक है, अरे क्या रहेगा देसी घी उसकी मैं वही में कह रहा हूँ क्या कुछ रुके रुके से क्यों लग रहे हैं, देसी घी तो रह गया। साथ में है अचार, अचार खा लेंगे पराठे, हो गया हमारा लंच आज का। आधे घंटे की नींद ले ली भाई, जबकि मुझे पता नहीं क्यों वैसा नशा हो जाता है, आधे घंटे की नींद तो मुझे कम से कम चाहिए चाहिए, वो आनी ही आनी है दोपहर में तो आनी आनी है। चलो अब थोड़ा वर्कआउट कर लेते हैं, टाइम हो चुका है वैसे भी, आधा घंटा करीब बचा है, आधा नहीं पौन घंटा करीब बचा है, सब अचार हो रहे हैं तो थोड़ा वर्कआउट करते हैं और उसके बाद फिर ड्यूटी चलाएंगे। हल्की हल्की बूंदें भी गिर चुकी हैं, ज़्यादा तेज़ बरसात नहीं हुई है पर हल्की हल्की तो हो रही है।
चारों तरफ काले काले बादल भी हैं। कोई बड़ी बात नहीं, थोड़ी देर में बारिश हो जाए भयंकर वाली, हो जाए तो अच्छा। देखो बादल ये दिख रहे हैं काले काले बादल पूरे इस तरफ है, थोड़ी थोड़ी आवाज भी आ रही है गरजने की। चलो डिनर टाइम, पोहे बनाने हैं मुझे, पोहे। अबे इसमें तो यार कोई नहीं है, टमाटर ही नहीं है। टमाटर है लेकिन है, चलो एक आधा आधा आधे रखे हैं बस, ये लास्ट टमाटर बचा हुआ है आधा आधा, फिर खत्म। आज का काम चल जाएगा हमारा, कल लेकर आऊंगा, कल मंडी वंडी जाना है मुझे। पर मिर्च नहीं है यार, हरी मिर्च नहीं है। शिट, नहीं यार हरी मिर्च नहीं है, हरी मिर्च के बिना मजे नहीं आते पोहे में। पोहे में तो प्याज टमाटर और हरी मिर्च, ये तीन तो चीज चाहिए ही चाहिए। कल देखें, कल सुबह जाऊंगा मंडी तो फिर ले आऊंगा टमाटर हरी मिर्च में। फिलहाल क्या मालूम, फिलहाल ट्राई करते हैं ये कोरियन रेमन जो हमने ऑर्डर किया था आज। इससे पेट तो क्या क्या भरेगा यार, बड़ा महंगा है ये। कितनी एमआरपी है इस पर? 49 rupees है भाई ये। 49 में तो चार मैगी आ जाएंगी। और इसको बनाने का तरीका वैसे तो मैगी की तरह ही है, बस पानी में बॉईल करना है। और बस ये है कि मैगी में हम क्या करते हैं, मसाले को भी उसमें डाल देते हैं, पानी में डाल देते हैं और फिर मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। पर इसमें क्या है, पहले तो इसको रेमन को जो भी है आपका ये नूडल्स है इनको बॉईल करना है, उसके बाद वो जो पानी है उस पानी को फेंक देना, ये बॉईल हो जाएंगे। इसको एक बॉल में निकाल लेना और जो ये स्पाइसेस है मतलब जो इनकी सीजनिंग आई है मसाले उसमें मिलाने हैं और फिर खा लेना, यानी इसको पानी में डाल के उबालना नहीं है मसालों को। टिंगी से है ये तो, बहुत कम है यार ये। ये बॉयल हो गए और इसमें नीचे मैंने मसाला डाल दिया और वो सीजनिंग में एक ऑयल टाइप का था होता, और इसको मिक्स करना है बस अच्छे से। ये मिक्स हो गया, इतनी क्वांटिटी है ये 50 rupees की भाई, 49। और अब टेस्ट करके देखते हैं। फर्स्ट टाइम यार, फर्स्ट टाइम मैंने आज से पहले कभी देखा भी नहीं था चुटनी बुल्ला। ये तो मुझे उस लिस्ट में दिख गया तो मैंने ऑर्डर कर दिया, मैंने कहा यार कभी ट्राई भी तो करना चाहिए एक बार, इसलिए मैंने ऑर्डर कर दिया। ओ नूडल्स तो बहुत बड़े बड़े हैं, स्पाइसी। सही कहते हैं कोरियन फूड स्पाइसी होता है, वक्त देख भी लिया भाई, स्पाइसी है अच्छा खासा स्पाइसी है। मतलब सोचो मैं खाने के साथ हमेशा एक मिर्च लेता हूँ, मैं इतना स्पाइसी खाता हूँ और मुझे स्पाइसी लग रहा है तो ये कितना होगा स्पाइसी। पर टेस्टी है, ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं है, मज़ेदार है, मज़ा आ गया। बस यही थोड़ी सी क्वांटिटी और होनी चाहिए थी, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग से मैगी खाई है तो मैगी ही हमें यार, ये मैगी का पाउच पड़ता है। मैगी का पाउच कितना चल रहा है आजकल? 14 rupees चल रहा है शायद, 14 rupees वाला पाउच है मैगी का, स्पाइसी वाला नहीं, अलग टेस्ट है, अच्छा लग रहा है। ये देखो कोरियन फूड, ये होता है रियल कोरियन फूड। मैंने तो केवल नूडल्स मंगा के खाए थे पर अच्छे थे, स्पाइसी थे, अच्छे खासे स्पाइसी थे, मजा आ गया, मुंह खुल गया पूरा। अगर आपको स्पाइसी खाना अच्छा लगता है तो फिर एक बार जरूर ट्राई करना, और अगर नहीं अच्छा लगता है देन प्लीज डोंट ट्राई दिस। सही स्पाइसी है, रोज रोज ऐसे स्पाइसी खाना आप खा भी नहीं सकते हो। ये नूडल्स आप ये सोचो कि महीने में मैं 3-4 बार खा लूंगा, नहीं भाई, कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी आपको इंटरनल, पता चले पाइल्स वगैरह हो गए इतना स्पाइसी खाना खा के सही बता रहा हूँ मैं, कभी कभी चल जाता है बस। मैं कौन सा यार डेली बेसिस पर खाने वाला हूँ, मैंने एक बार देखा था तो फिर मैंने ऑर्डर कर दिया, अदरवाइज हाँ आप कौन ऑर्डर करेगा। मैं भी शायद फर्स्ट एंड लास्ट टाइम है मेरा भी ये नूडल्स है, वो भी खाना कौन सा था ये भी। चलो फिर आप लोगों से लेते हैं अलविदा, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वॉक, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।